दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया सहित भारत में त्राही त्राही मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पूरा प्रशासन अपील कर रहा है कि सड़कों पर बिना आवश्यक बाहर न निकलें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं और बिना मास्क लगाए बिल्कुल भी ना निकलें। इस संकट के समय महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अवनींद्र पटेरिया ने महाराजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलोक चौरसिया के साथ मिलकर बात की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। जानकारी मिली कि महाराजपुर में जितने भी ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर थे उन्हें भरवा लिया गया है। इमरजेंसी में कोई गंभीर मरीज आता है तो ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान नहीं जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अवनींद्र पटेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महाराजपुर में अभी कोविड-19 सेंटर और कोविड-19 वार्ड बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। महाराजपुर में चौरसिया धर्मशाला और सरस्वती शिशु मंदिर का चयन प्रशासन द्वारा किया गया जहां पर कोविड वार्ड और कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाएंगे और स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य में जैसा आपको मालूम है कि आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अनुसार और शासन में व्यवस्था के अनुसार वैक्सीनेशन आज से चालू हुई है। तो सेवा ही संगठन का हमारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, इसी दृष्टि से आज यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि व्यवस्था कैसी है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है। इसके साथ जैसा आपको मालूम है कोविड के कारण बहुत ज़्यादा महामारी है, तो आज कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर 10 छतरपुर जिले से भर के आए हैं। प्रशासन से जब बात हुई तो प्रशासन ने इतना सहयोग किया कि आज 10 सिलेंडर यहाँ ऑक्सीजन के हमारे यहाँ चालू हालत में हैं। अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो यहाँ से उसको अपन ये सिलेंडर प्रोवाइड करके उसकी जिंदगी की रक्षा की जा सकती है, जैसी शासन की मंशा है।